और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर देते, लखनऊ से बड़ी जानकारी है। संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। आज रिटायर्ड हो रहे हैं एसीएस गृह अवनीश अवस्थी। तो संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है और आज रिटायर्ड हो जाएंगे एसीएस गृह अवनीश अवस्थी। और ऐसे में जो अतिरिक्त प्रभार है, जो जिम्मा है, वो संजय प्रसाद के कंधों पर है। संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और जब तक एसीएस का चुनाव नहीं हो जाता, नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वो प्रभार देखेंगे, जिम्मेदारी को संभालेंगे। ये अतिरिक्त चार जून है दिया गया है। संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज रिटायर्ड हो रहे हैं एसीएस गृह अवनीश अवस्थी। अवनीश अवस्थी आज रिटायर्ड हो रहे हैं, रिटायरमेंट उनका है। और देखिए ऐसे में संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, और क्या ज्यादा जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चल रहा था कि अवनीश अवस्थी जो सबसे मजबूत, सबसे कद्दावर नौकरशाही के सबसे बड़े अफसर माने जाते थे, उनको गृह विभाग दिया गया था। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट भी उनके पास थे। आज उनका रिटायरमेंट हुआ और ये हो रहा था कि इनके बाद कौन ऐसा अफसर होगा, यानी इतना मजबूत अफसर आखिर कौन होगा जो अवनीश अवस्थी की जगह पर कमान संभालेगा। और 31 अगस्त उनका रिटायरमेंट का डेट थी, आज वो रिटायर हो गए हैं। शाम को 5 बजे उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। तो अब दूसरे अफसर को लेकर तमाम नाम चल रहे हैं। उन नामों की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो नाम अभी बहुत पुख्ता तौर पर सामने नहीं आए हैं। लेकिन जो संजय प्रसाद थे, मुख्यमंत्री के खास अधिकारी माने जाते हैं, अवनीश अवस्थी जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी अफसर हैं, उसी तरह से संजय प्रसाद भी उनके हर पल उनके साथ भाई की तरह रहते हैं। उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। नया अपर मुख्य सचिव गृह कौन होगा, ये भी रहस्य के पर्दे में है। लेकिन संजय प्रसाद फिलहाल अगली नियुक्ति तक कार्यभार संभालेंगे। और जिस तरह से गृह विभाग हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहता है और उनके जो सबसे शानदार नीट और क्लीन अफसर, यानी जिनकी छवि सबसे बेहतर होती है, जो किसी तरह से कहीं किसी भूमिका में गलत तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, जिनका कोई लेन देन नहीं होता है किसी भी तरह के प्रकरणों से, उनको इस तरह की जिम्मेदारी, अपर मुख्य सचिव गृह की जिम्मेदारी दी जाती है। और संजय प्रसाद भी ऐसे ही अफसरों में एक है जिनकी छवि साफ शुद्ध है, नीट एंड क्लीन है, उनको विवेक अभी तो अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, क्या फुल फ्लेज चार्ज उन्हें दिया जा सकता है? और जैसा कि आपने भी कहा कि कई नाम हैं जो इस वक्त रेस में आगे चल रहे हैं, नाम का खुलासा आप नहीं कर सकते, लेकिन कितने नंबर हैं ये जो इस वक्त बताया जा रहा है कि चर्चा में है, कितने लोगों के नाम? नाम चर्चा में थे 3 अधिकारियों के, उसमें से एक जो है वो नगर विकास से जुड़े हैं, इसके अलावा एक बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, लेकिन संजय प्रसाद भी उसी में से एक थे। इन 3 अधिकारियों में से एक संजय प्रसाद थे जिनको कार्यभार करना है। हो सकता है कि उनको कंटिन्यू कर दिया जाए, उनको जो स्थायी जिम्मेदारी है अपर मुख्य सचिव गृह की कुर्सी की वो दे दी जाए, लेकिन अभी फिलहाल वो कार्यभार बनाए गए। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।